अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर वर्कबुक पेज नंबर 7। आज हमने अपना फोनिक्स का काम कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना इंग्लिश ए का काम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट किया है डिक्टेशन अप एंड डाउन। अप एंड डाउन की हमने आपको डायरी भेजी थी डिक्टेशन याद करने के लिए। उम्मीद है कि वो आपको डिक्टेशन याद हो गई होगी। आपने वो डिक्टेशन याद करके यहाँ पर राइट करनी है, ठीक है। मामा को बोलें कि आपको वो डिक्टेशन लिखवाएं। उसके बाद जो हमने आपको वर्कबुक 1 दी थी, उसमें हमने आपको वर्ड्स मीनिंग दिए थे, ठीक है, अप एंड डाउन के। और जो नेक्स्ट हमारे ग्रैंडमा है और ड्रोन है, तीन यूनिट्स के हमने आपको वर्ड्स मीनिंग दिए थे। वहाँ से आपने अप एंड डाउन के वर्ड्स मीनिंग देख कर यहाँ पर याद करके लिखने हैं, और साथ में ड्रोन के और ग्रैंडमा के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड्स मीनिंग। यहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लिखने के लिए आपको वर्कबुक 1 यूज़ करनी है, ओके। टॉप, टॉप मीन सबसे ऊपर। टॉप, टॉप मीन सबसे ऊपर। एच ओ पी हॉप, हॉप मीन उछलना, हॉप मीन उछलना। वॉच आउट, ध्यान रखें, वॉच आउट ध्यान रखें। यूज़फुल, मुफीद या फ़ायदेमंद, यूज़फुल मुफीद या फ़ायदेमंद। टाइनी, बहुत छोटा, टाइनी बहुत छोटा, टाइनी बहुत छोटा। स्माइल्ड, मुस्कुराया, स्माइल्ड मुस्कुराया, स्माइल्ड मुस्कुराया। प्रेस, दबाना, प्रेस दबाना, प्रेस दबाना। सिटिंग, बैठ रही, सिटिंग बैठ रही। फॉरवर्ड्स, आगे, फॉरवर्ड्स आगे, फॉरवर्ड्स आगे। मेकिंग अ नॉइज, शोर कर रही, मेकिंग अ नॉइज, शोर कर रही। हेयर, सुनना, हेयर सुनना, हेयर सुनना। जंप ओवर, फलांगना, जंप ओवर फलांगना, जंप ओवर फलांगना। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। बॉटम, नीचे, बॉटम नीचे। अगेन, दोबारा, अगेन दोबारा। क्लेवर, चालाक, क्लेवर चालाक। पीसेस, टुकड़े, पीसेस टुकड़े। स्ट्रीट, गली, स्ट्रीट गली, स्ट्रीट गली। रोड, सड़क, रोड सड़क। थिंग्स, चीज़ें, थिंग्स चीज़ें, थिंग्स चीज़ें। स्लोली, आहिस्ता से, स्लोली आहिस्ता से, स्लोली आहिस्ता से। बैकवर्ड्स, पीछे, बैकवर्ड्स पीछे, बैकवर्ड्स पीछे। शट, बंद करना, शट बंद करना, शट बंद करना। बोन्स, हड्डियाँ, बोन्स हड्डियाँ, बोन्स हड्डियाँ। तो ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग। अब नेक्स्ट है आपके पास डिक्टेशन द ड्रोन। द ड्रोन की भी आपको वर्कबुक 1 से डिक्टेशन लर्न करनी है, और यहाँ पर नीचे मामा से बोलकर राइट करवानी है, ओके। मामा राइट नहीं करेंगी, याद करेंगे आप और राइट करेंगी, सॉरी याद करेंगे और मामा आपको बोलेंगी और आप राइट करेंगे, ओके। अब हमारा नेक्स्ट पेज है पेज नंबर
19, आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज हमने पेज नंबर 19 करना है और ये है हमारा साइंस का, ये हमारा कौन सा यूनिट है, साइंस का यूनिट है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट साइंस। हमने आपको वीडियोस भेजी हैं सेंसेस की, ठीक है, बुक रीडिंग्स की, आपने बुक रीडिंग्स की हैं, ठीक है। बुक रीडिंग करके उसके बाद आपने वहाँ से डिक्टेशन लर्न करनी है और यहाँ पर राइट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आंसर द क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी सेंसेस आर देयर, नेम देम। हाउ मेनी सेंसेस आर देयर, नेम देम। हमारी कितनी हिस्सियात होती हैं, उनके नाम लिखें। तो हमने बुक रीडिंग की है और हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि कितनी सेंसेस होती हैं। हाउ मेनी सेंसेस डू वी हैव, वी हैव 5 सेंसेस, देयर आर 5 सेंसेस। हाउ मेनी सेंसेस आर देयर, देयर आर 5 सेंसेस। नेम देम में नेम क्या है इनके, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, ठीक है। अब इन जो सेंसेस हैं इनके साथ हमने इनके बॉडी पार्ट्स बनाए हैं जो इन सेंसेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे साइट है तो उसके लिए हमारा कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होता है, आइज। हेयरिंग के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होता है, ईयर। स्मेल के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होता है, नोज। एंड टेस्ट के लिए हम टंग यूज़ करते हैं और टच के लिए हैंड यूज़ करते हैं। सो हाउ मेनी सेंसेस आर देयर, देयर आर 5 सेंसेस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। देयर आर 5 सेंसेस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट आवर सेंसेस टेल अस, व्हाट आवर सेंसेस टेल अस। हमारी हिस्सियात हमें क्या बताती हैं, व्हाट आवर सेंसेस टेल अस, हमारी हिस्सियात हमें क्या बताती हैं। नंबर 1, आवर सेंसेस टेल अस, हमारी हिस्सियात हमें बताती हैं अबाउट द थिंग्स अराउंड अस, के हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है। ये लंबा पॉइंट था तो हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। आप भी इसी तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आवर सेंसेस टेल अस, हमारी हिस्सियात हमें बताती हैं अबाउट द थिंग्स अराउंड अस, के हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। नंबर 2 आपने राइट करना है, दे हेल्प अस, वो हमारी मदद करती हैं टू एन्जॉय लाइफ, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को लुत्फानंदोज़ होने में। दे सेव अस फ्रॉम डेंजर, ये पॉइंट नंबर 3 है। दे सेव अस, वो हमें महफूज रखती हैं फ्रॉम डेंजर, ख़तरे से। सो लेट स्टार्ट रीडिंग अगेन। आवर सेंसेस टेल अस अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। नंबर 2, दे हेल्प अस टू एन्जॉय लाइफ। नंबर 3, दे सेव अस फ्रॉम डेंजर। अगेन, व्हाट आवर सेंसेस टेल अस, आवर सेंसेस टेल अस अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। दे हेल्प अस टू एन्जॉय लाइफ, दे सेव अस फ्रॉम डेंजर, ठीक है। ये आपने लर्न करने हैं दोनों क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से राइट करने हैं इन एक्सीलेंट राइटिंग। नाउ द नेक्स्ट इज डिक्टेशन मटेरियल्स। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रहा है मटेरियल्स। आपने वर्कबुक 1 से इसकी डिक्टेशन याद करनी है और यहाँ पर राइट करनी है। उसके बाद ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट पेज के साथ ही सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है मैथ्स का पेज, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे हमारे पास है स्किपिंग। स्किपिंग जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, जो जो टेबल हम करते हैं साथ हम उसकी स्किपिंग करते हैं, ठीक है। तो स्किप बाय 2, स्किप बाय 3, स्किप बाय 4 में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम किस तरह से करते हैं। हमारे पास इसके 2 मेथड होते हैं। एक मेथड में हम जो है वो टेबल पढ़ते हैं और टेबल पढ़ के उसके आंसर्स को राइट करते जाते हैं। अगर स्किप बाय 2 हैं तो हम टेबल ऑफ 2 पढ़ते हैं और उसके आंसर्स को राइट करते हैं। अगर हमारे पास स्किप बाय 3 है तो हम 3 का टेबल पढ़ते हैं और उसके आंसर्स राइट करते हैं। इसी तरह से जो सेकंड मेथड है उसमें हम पोजीशंस देखते हैं।
अगर हम स्किप बाय टूज कर रहे हैं तो हम टू की पोजीशन देखेंगे और नेक्स्ट काउंट करके लिखते जाएंगे, जो टू की पोजीशन पे आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसे नेक्स्ट फॉरवर्ड करके हम राइट करते जाएंगे। अगर हम स्किप बाय थ्री कर रहे हैं तो हम थ्री की पोजीशन देखेंगे और फॉरवर्ड काउंट करके राइट करेंगे आंसर्स को। आज हम तमाम टेबल्स जितने हमने पढ़े हैं तमाम की स्किपिंग करेंगे, स्किप बाय टूज। तो स्टार्ट करते हैं, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू नाइन ज़ा एटीन एंड टू टेन ज़ा ट्वेंटी। तो देखें स्किप बाय टूज किस तरह से हैं, आंसर्स ऑफ टेबल ऑफ टू, जो टेबल ऑफ टू में आंसर्स आते हैं वो हमारे स्किपिंग होती है, ठीक है। नाउ स्किप बाय थ्रीज भी सेम इसी तरह होंगे, स्किप बाय थ्रीज है तो ऑब्वियसली हम थ्री का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री टू ज़ार सिक्स, थ्री थ्री ज़ार नाइन, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन, थ्री सिक्स ज़ार एटीन, थ्री सेवन ज़ार ट्वेंटी वन, थ्री एट ज़ार ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन एंड थ्री टेन ज़ार थर्टी। इसी तरह से आपके पास नीचे है स्किप बाय फोर, स्किप बाय फाइव एंड स्किप बाय टेंस। तो आपने इनके टेबल्स पढ़ के इनके आंसर्स को राइट करना है, ओके।